तब लोग दोस्त किसको देते, ये देखिए, ये देखिए, ये भाई साहब को देखिए, ये अभी अभी मरने वाला। सो हेलो नमस्कार, माय चैनल का वेलकम बैक टू माय चैनल एजरी ब्लॉग्स। आप लोग कैसे, होप से भी अच्छे हैं। तो फाइनली मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। सभी सेटअप हो गया मेरा, सभी चीज आ गया। अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ ये, और इतना मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है मोटो ब्लॉगिंग का, लेकिन करते रहेंगे तो आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल में, एक छोटा सा वाटरफॉल है पागला टेक के उधर, जिसका गोरेमारी है उसका प्लेस, तो वहाँ पर ही जा रहे हैं हम लोग कुछ दोस्तों के साथ। फिलहाल तो पेट्रोल भराना है एंड उसके बाद जाना है। बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मतलब दिल तमन्ना थी कि हम मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, और फाइनली वो दिन आ गया है। अभी कर रहे हैं मोटो ब्लॉग। सो अभी फ़िलहाल इधर कर लेते हैं रिफ्यूलिंग एंड उसके बाद निकलेंगे। सो तो अभी हो चुका है हमारा रिफ्यूलिंग, और थोड़ा बहुत विंडबस शायद आएगा क्योंकि मैंने अभी तक एक्सटर्नल माइक नहीं ख़रीदा है, बस हेडफोन को ही कनेक्ट करके मैंने माइक बना लिया अभी, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो नॉइस तो आएगा, विंडबस भी होगा, लेकिन लूँगा माइक भी धीरे धीरे करके। अभी जो भी हो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बना लिया है। उसका एक ब्लॉग आएगा कैसे माउंट करते हैं हेलमेट पे मोबाइल, तो उसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा। वैसे भी तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन अपने जो व्यूअर्स है उन लोगों के लिए मैं ये बनाऊंगा और एक बार फिर से, और जो भी दिक्कत होता है वो सब मैं बताने वाला हूँ। सो वो वीडियो शायद कल या परसों कब आएगा। और अभी हम लोग फ़िलहाल पहुँच चुके हैं करबोला। मेरे लेफ्ट पे है ये अल सलाम हॉस्पिटल। मोबाइल माउंट करके मोटो ब्लॉगिंग करने में एक दिक्कत होता है, ये दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ। कल जब मैंने टेस्ट किया था तब भी ये दिक्कत फेस किया था, जब मतलब मोबाइल का वेट थोड़ा ज़्यादा अगर हो तो हेलमेट थोड़ा नीचे खिसकता रहता है, जो अभी मेरा हो रहा है, थोड़ा नीचे नीचे जाता रहता है, तो ये मोबाइल के वेट के वजह से होता है। और मोबाइल मेरा नीचे है, हेलमेट के नीचे है, तो इसीलिए नीचे होने के कारण ये जो इसका मोबाइल का वेट पूरा नीचे जाता है। और अगर मतलब जैसे गोप्रो ऊपर रहता है, ऐसा अगर करने की कोशिश करता हो तो मोबाइल पूरा वाइजर के सामने आ जाता है और सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए मोबाइल को नीचे रखना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी इतना भी दिक्कत नहीं रहता है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता, बस हेलमेट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता रहता है, बस यही एक छोटा सा दिक्कत है, बाकी अदरवाइज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई मोटो ब्लॉगिंग करने में। कॉर्नरिंग मुझे करने नहीं देगा ये लोग, अच्छा बे सबसे फेवरेट कॉर्नरिंग। भाई स्पीड में भी चला सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं अभी 70 के आसपास जा रहा हूँ, तो ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा है, बस एक ही दिक्कत हो रहा है कि हेलमेट बार बार नीचे जा रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं कौन सा रखते हैं पुलिस स्टेशन, यहाँ पर तो हम लोग हमेशा आते ही रहते हैं, ये हमारा घर बन चुका है अभी फिलहाल। ये लोग थोड़ा फल फल के जा रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं फलाफली करता ब्रो, और जब करता हूँ तो तुम लोग पीछे रह जाओगे भाई। हम फलाफले अभी इसीलिए नहीं करते क्योंकि कर रहे हम मोटो ब्लॉग भाई, मेरा मोबाइल के मेरे मोबाइल के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे ज़्यादा स्पीड में चलना, और ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाना भी नहीं चाहिए अगर कोई इमरजेंसी ना हो। और हम लोग पहुँच चुके हैं नॉर्थन ब्रिज के नीचे के टनल पे,
ऐसे पगला तक तो आप लोग ने देख ही लिया होगा मेरे ब्लॉग, मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, तो इसी से हम लोग सीधे सीधे जाते रहेंगे अभी। और बाकी बढ़िया है, MSK भाई का फ़ैन हूँ, बाकी सब बढ़िया है। आ गया ऑफ रोडिंग, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग भाई साहब। कल रात यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हुआ था। ये जो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल आप लोगों ने देखे होंगे मेरे ब्लॉग पे। हम लोग गए थे जब ओल्ड बाइसिकल डे था, उस दिन साइकिलिंग के लिए हम लोग इसी वाटरफॉल पे गए थे, लेकिन उस दिन थोड़ा पानी कम था, थोड़ा नहीं बहुत पानी कम था, क्योंकि तब मौसम जो था तब बारिश का मौसम नहीं था, इसीलिए थोड़ा पानी कम था तब, मतलब बारिश का मौसम आया ही नहीं था तब, शुरू होने ही वाला था तभी गए थे हम लोग। तो लेकिन अभी थोड़ा पानी शायद रहेगा, हम लोग तो उसी की उम्मीद में जा रहे हैं, हम लोग तो उसी की उम्मीद में जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद में ही दुनिया कायम है मेरे भाई, उम्मीद रखना ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, होप रखिए ज़िंदगी में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये तो आ गया भाई काठ का ब्रिज और हम उतर चुके हैं नीचे। मेरे सामने है टोटो गाड़ी, आप लोग की वहाँ पर क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह में इसका अलग अलग नाम है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कुछ गाड़ी बोलते हैं, कहीं पर टॉम टॉम बोलते हैं, हम लोग हमारे यहाँ पर ग्वालपर में बोलते हैं टोटो। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग के वहाँ पर क्या बोलते हैं इस गाड़ी को। मोबाइल का जो एंगल है इसको थोड़ा सेंस करना पड़ेगा, आप लोग का भी शायद हैंडल दिख रहा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद शायद हैंडल नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रहा है इस एंगल में, ये हेलमेट बार बार नीचे जा रहा है, तो ये दिक्कत मुझे फेस कर रहा हूँ मैं, दिक्कत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसी वजह से। ओहो, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, लद्दाख। ये देखिए लद्दाख में पहुँच चुके हैं हम लोग, ग्वालपारा के लद्दाख। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग, वाह 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 वाह, अति उत्तम। अरे ओ मुर्गे, ऐसे रास्ते के बीच में कौन से रहते हो तुम लोग यार, तुम लोग की वजह तो एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता रहता है, अचानक से आ जाते हो बाइक के सामने और तुम लोगों के बचाने के चक्कर में हम लोग ऊपर चले जाते हैं भाई, या तो ऊपर चले जाते हैं या तो भाई बहुत ही ज़्यादा वाला एक्सीडेंट। लोग जब एक्सीडेंट, जब किसी जानवर की वजह से एक्सीडेंट होता है तब लोग दोष किसको देते, ये देखिए, ये देखिए, ये भाई साहब को देखिए, ये अभी अभी मरने वाला था ये मेरे बाइक के सामने। ऐसे ही आते रहते हैं रास्ते के इस पार से उस पार, और इन लोगों के बचाने के चक्कर में हम जाते हैं गिर, कभी ऐसे सड़े ना जाते हैं ना, मरने पर है सामने का ब्रेक, और कभी स्केट हो जाता है बाइक और गिर जाता है हम नीचे। ये भाई साहब ने मुझे देखा कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी वो भाई साहब को रोड क्रॉस करना है, क्या है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार इस दुनिया में, दुनिया में लोगों को तो कहीं हो जाता है, पता नहीं यार लिरिक्स से दुनिया जब आ गया तो ध्यान में, जब दुनिया बोला मैंने तो मेरे ये दुनिया का गीत आ गया मेरे दिमाग में, इसलिए थोड़ा दो लाइन गुनगुना दिया। हम लोग पहुँचने वाले हैं कहाँ पर, पगला टैक्सी मंदिर, मेरा ब्लॉक है यहाँ पर, आई बटन में आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा जो भी ब्लॉक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आई बटन पे भी आ रहा है शायद ऊपर, तो एक बार चेकअप कर लीजिएगा। ये है पगला टैक्सी मंदिर, और ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यू देखिए सुपर वाला, सुपर एकदम मस्त, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये। फाइनली पहुंच चुके हैं, एक दिक्कत हो गया, यहाँ पर पहुंचने तक मैंने किया था मोटो ब्लॉग, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मोबाइल ज्यादा हीट होने के कारण वीडियो अपने आप ऑफ हो गया, वो होता रहता है मोबाइल का, जब टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो मोबाइल खुद ही खुद अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे तक जो बात में पगला टेक के बात में जो भी मैंने बका था सब भाई टोटल वेस्ट हो गया, मोबाइल बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं कि मुझे नहीं दिखता है, मोबाइल नीचे रहता है मेरे हेलमेट के इस एंगल में, मोबाइल रहता है तो मैं नीचे नहीं देख पाता हूँ कि वीडियो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कब ऑफ हो गया पता भी नहीं चला। यहाँ पर जब पहुँचे तब आके पता चला
जब देखा कि वीडियो अपने आप पहले से ही बंद है, शोज में मैं थोड़ा दिक्कत में पड़ गया कि कितने देर तक वीडियो हुआ। तो जब मैंने देखा कि पगला तक तक हुआ, उसके बाद बंद हो गया। चलो जो भी हो, तो अभी पहुंच चुके हैं इस प्लेस में, और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ये है शिव मंदिर, और यहाँ पर है वाटरफॉल। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वाटरफॉल। अभी पहले थोड़ा इस जगह को देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत। और आज का जो मौसम है भाई, वेदर बहुत ही खूबसूरत है, एक बार देख लीजिए आप लोग। यही है लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए चारों तरफ पानी, इधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है, उधर से होके पानी इधर 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 करके इधर जा रहा है, और थोड़ा इधर आके इस तरफ होके ये देखिए नीचे ये हो गया पूरा वाटरफॉल। और ये अपने बंदे लोग नहा रहे हैं पूरा। अभी मैं भी उतरूंगा नीचे, लेकिन पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही शानदार। इतना ज़्यादा भरा वाटरफॉल नहीं है ये, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। इतना शांति है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आके। हाँ, जब लास्ट टाइम पे आए थे साइकिलिंग करने के लिए, तब भी यहाँ पर आके मुझे बहुत ही सुकून मिला था। मुझे ऐसे शांत प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज यहाँ पर फिर एक बार बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा है। तो फिलहाल उतरते हैं नीचे, कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद नीचे उतरेंगे और नहाएंगे। अभी जिस काम के लिए वो तो करना पड़ेगा ना भाई, अभी नहाना तो पड़ेगा ना भाई, नहाने के लिए ही आया है। तो अभी नहाएंगे आप उन लोग, रुकिए। यो यो, फिलहाल उतर चुका हूँ नीचे। हाँ, मैं गाड़ी बोला मैं जगह 7.6 बोले यार, क्या ही मजा आ रहा है भाई। गर्मी में आके ठंड ठंड हो गया हम लोग, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, अभी थोड़ा नहा लेते हैं भाई, अभी नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली नहा लेके आगे ऊपर। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए मेरा मोटो ब्लॉग कैसा था, कुछ चेंज करना है। मुझे पता है थोड़ा इनब्लस ज्यादा हो रहा है, वो मुझे यहाँ पर आके पता चल गया। तो वो इनब्लस के लिए मैं माइक ऑर्डर दूंगा। अभी मैं सोच रहा था कुछ दिन बाद दूंगा, लेकिन नहीं, अभी माइक ऑर्डर देना पड़ेगा। एक माइक सजेस्ट किया है MMH ने मुझे कल रात को, तो वही माइक मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। और बाकी मोटो ब्लॉग कैसा था, पहला एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा शायद, लेकिन धीरे धीरे सीखता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए ब्लॉग कैसा लगा, और साथ में सब्सक्राइब कर जगह नए हैं मेरे चैनल पर, और साथ में नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो सुनकर सब लोगों को मिल जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा तक के लिए कीप सपोर्टिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट ब्लॉग में। Fight.